जाने जिगर जाने तमन्ना जाने बहार, सारी गाड़ी दिखाएगा। स्कॉर्पियो N Z4 हो, Z6 हो, Z8 हो, Z8L हो, Z8 ऑटोमेटिक हो। तो अभी मैं गाड़ी पे Z8 ऑटोमेटिक भी देखनी होगी आप लोगों ने, पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ Z8। ये जो गाड़ी सामने खड़ी है फ्रेंड, आपने देख के पहचान लिया होगा, ये खड़ी है Z8 मैनुअल ट्रांसमिशन। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मैनुअल लेते हैं Z8, उसके अंदर भी आपको फॉग लैंप मिलते ही मिलते हैं। लेकिन एक खास बात है, ये लो बीम हाई लीम में आपको प्रोजेक्टर और हेडलैम्प आपको LED प्रोवाइड कर देते हैं। फ्रंट पे इन्होंने Z8 मैनुअल के अंदर भी क्रोम फिनिशिंग करनी शुरू कर दी है, लेकिन कैमरा इसके अंदर भी नहीं है। आप देख सकते हैं Z8L में मिलता है आपको, नीचे की आप ये स्किड देख रहे हैं, ये इसके अंदर भी चेंज है। Z6 में भी चेंज थी और सामने आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। तो Z6 के ऊपर आता है Z8, यानी कि अगर Z6 से आप Z8 में आते हैं तो आपको सबसे पहले तो चीज़ ये मिल जाती है भाई, कैमरा इसमें नहीं मिलता, ये मिल जाता है आपको क्रोम में मिल जाता है। ये आपको हाई बीम लो बीम आपको ये LED के प्रोजेक्टर में दोनों मिल जाते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात बताना चाहता हूँ आपको मैं, आपको इसके अंदर भी अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं अंदर बैठ के दिखाऊंगा आपको अंदर, ये ORV में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है कि नहीं। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये भी आप लोग Z8 मैनुअल वालों के लिए, आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है। आप बिना चाबी के आप गाड़ी में खोल सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं, कीलेस है इसके अंदर सब कुछ। और अगर साइड से देखते हो तो ये जो क्रोम है हैंडल पे भी प्रोवाइड कर दिया गया है, और ये भी आपको क्रोम प्रोवाइड किया गया है जो कि ये Z4 वगैरह में नहीं आता। ये कॉम्बिनेशन वही की है, ये टॉप एंड मॉडल की तरह आपको सिल्वर में मिलता है, जो ऊपर आपका रूफ रेल है, नीचे ये फुटस्टेप जो है इसके अंदर पड़ा हुआ है वो ब्लैक कलर का देंगे। ये भाई वही है, साइज वही रखा हुआ है इन्होंने, ब्रिजस्टोन के वही है जो Z4 में मिलते हैं। तो Z8 और Z4 में ज़्यादा भैया ये तो फ़र्क नहीं है, लेकिन ये वाला फ़र्क है देख लीजिए, ये भी काफ़ी बड़ा फ़र्क आ जाता है। पीछे से आप देखिए सेंसर इसमें भी 4 दिए गए हैं, लेकिन पीछे इन्होंने ये क्रोम फिनिश में दे दिया गया है और सिल्वर क्लेडिंग दे दी है। स्कॉर्पियो N की बैजिंग है, यहाँ साइड प्रोफाइल तो ऑलमोस्ट सेम का ही सेम है। अब हम देखते हैं इस गाड़ी के अंदर, अगर मैं खोलता हूँ तो सीट मुझे कौन सी मिलती है। ये Z8 मैनुअल की बात हो रही है, तो जो भाई अभी Z6 से Z8 में आ रहे हैं तो सबसे पहला ध्यान रखना उनको बेनिफिट ये वाला मिलने वाला है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है भाई। दूसरा फ़र्क उनको क्या मिलने वाला है भैया, ये पुश बटन स्टार्टअप बहुत ही इजी रहेगा, चाबी जेब में रहेगी, आप गाड़ी यूज़ कर सकते हो। और क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये आपको लेदराइट मिलने वाले हैं जी। और फ़र्क क्या मिलने वाला है, ये पियानो में आने वाला है। Z6 में आपने देख लिया भाई सब कुछ ऐसे लोकल तरीके से दिया गया था, ये भी इन्होंने क्रोम दे दिया, ये भी इन्होंने चेंज कर दिया है, ट्विटर भी दे दिया गया, ये लेदराइट दे दिया है इसके अंदर। तो एक तो फ़र्क ये हो गया Z6 से Z8 पे आने पे, और नेविगेशन के अंदर है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन, ये भी आपका लेदर रैप्ड है, आप देख लीजिए स्टेरिंग लेदर रैप दे दिया है, ये भी आपका लेदर राइट है, और रूफ इस गाड़ी में भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और ये नेविगेशन जो है ये लेटेस्ट फीचर के साथ है, TPMS के साथ, ये आपको मैनुअल ही मिलता है। तो यानी कि अगर मैं देखा जाए इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इस Z8 के अंदर Z6 से आपको काफ़ी चेंजेस मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्राइस का डिफरेंस भी मैं डाल दूंगा, ये भी आपको जो डिजिटल मिलता है सारा का सारा, जो आपका क्लस्टर है, इंफोटेन सिस्टम है, लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर मिल जाते हैं, वो भी मेंशन मैं कर दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ये आपका पियानो फिनिश मिल जाता है, ये भी चेंज है, ये मिल जाती है आपको, सीट्स भी लेदराइट मिल जाती है, हेड लैम्प मिल जाते हैं आपको, ट्विटर्स मिल जाते हैं, और ये आपको क्रोम भी दे प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, ये चेंज चेक करना रह गया कि Z8 में मिलता है क्या, तो मैं इस गाड़ी को करता हूँ यहाँ से स्टार्ट, और अब देखता हूँ क्या ये होगा। यस, तो फ्रेंड सबसे अच्छी खबर यह है कि जो भाई ने Z8 खरीदी है मैनुअल में खरीदी है, उसका ये ORVM मैनुअली एडजस्टेबल होगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि बैटरी ना खा जाए। तो Z6 से Z8 पे जो भाई आ रहा है प्लीज़ ध्यान रखना, अलॉय आपको नहीं मिलेंगे, पर फॉग लैंप आपको मिल जाएगा, सामने फ्रंट आपको क्रोम का मिल जाएगा, प्रोजेक्टर मिल जाएगा, ORVM आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। Z8 इंडिया की गाड़ी है ये, किसी भाइयों को मिलेगी, मिले तो रिव्यू जरूर करवाना। ये साइड प्रोफाइल है, ये आपको क्रोम मिल जाता है, कीलेस एंट्री दोनों तरफ से मिल जाती है, ये बैक पूरी एंट्री बैक साइड से इसका लुक आता है। लेकिन स्मार्ट फीचर्स के अंदर सारे के सारे प्रोवाइड किए गए हैं। बैक साइड से गाड़ी देखने में ऐसी लगती है, कैमरा इस गाड़ी में बैक साइड पे है, लेकिन Z6 में कैमरा भी नहीं था। तो ये हमारा है रिव्यू, सिर्फ Z8 जो भाई वेट कर रहे हैं, कीलेस एंट्री है, पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी, अलॉय नहीं मिलते हैं, स्मार्ट फीचर सारे मिलते हैं, TPMS हो गया, प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, अलॉय ये आपको पियानो मिल जाता है, लेदर राइट आपको सीट मिल रही है। अब चेक करते हैं क्या इसमें मुझे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वो मिलती है,
नहीं, सीट इसके अंदर मैन्युअली है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको नहीं मिलते हैं। एसी भी जहां तक मेरा ख्याल है इसके अंदर एसओएस मिल जाता है। एसी भी इसके अंदर आपको, यस एसी भी आपको Z8 मैनुअल के अंदर ऑटो एसी दे रही है कंपनी। तो ये है हमारा Z8 मॉडल, स्कॉर्पियो एंड मैनुअल है ये, ध्यान रखना। प्राइस आपको मालूम नहीं है कितना है, लेकिन अब आप देखिए कि Z6 लेना है कि Z8 लेना है, कि Z8 ऑटोमेटिक लेना है कि Z8L पर ही जाना है अपने, या हमारी तरह आपको भी Z4 खरीदना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, अब आपने आई थिंक देख लिया गाड़ी है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये है Z8 आपकी मैनुअल, स्कॉर्पियो की मैजिंग है, ये लेदराइट मिल रहा है आपको। तो काफ़ी चेंजेस हैं इस गाड़ी में Z6 से Z8। सनरूफ भी है, नेविगेशन में अपडेटेड है, इनबिल्ट नेविगेशन है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे से मेरे इनपुट्स थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, काफ़ी बड़ा ब्लॉग तो नहीं बन पाया, लेकिन आपको ये पहली लुक मैंने अपने चैनल के ऊपर दे दी है Z8 मैनुअल की। अब जल्दी अगला ब्लॉग आएगा Z8 ऑटोमेटिक का, और मालूम पड़ेगा कि Z8 के बाद उसमें कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत।